तो ये क्या होता है कि बॉडी बिल्डर्स को अक्सर बच्चे नहीं होते, ये है। एक दो तीन चार पाँच छह थोड़े से यहाँ पे कट्स दिखाएंगे, मेरी आवाम देखना चाहती है। और अगर ये आज ट्रेनिंग करके आपके पास से गया है, अगले दिन ये आया जिम में और इससे वेट नहीं उठ रहा, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के वर्ल्ड बॉडी नंबर वन बिल्डर हाजिर हो। बॉडी बिल्डर ऐसे ही आते हैं। आज मैं मौजूद हूँ साउथ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जो करवाया है फहद खालिद ने। सर ये लड़का आपने तैयार किया? जी मैंने तैयार किया। ये कितने सालों में तैयार हुआ? ये तकरीबन इसमें कम से कम 8 महीने लग गए। उस्ताद ये आपने इनको कितने महीने में बनाया? ये इनकी 3 महीने की प्रेप है। उस्ताद ऐसे कैसे हो सकता है 3 महीने में बॉडी? डाइट अच्छी होनी चाहिए। ये नेचुरल बॉडी तो नहीं है ना? नेचुरल तो किसी की भी नहीं आजकल। ऐसा क्या खिला रहे हो जो 5 महीने में बॉडी बन रही है? ऐसा तो खाना पड़ता है, मच्छी चिकन अंडे। क्या बच्ची? मच्छी। अच्छा मच्छी, मच्छी बच्ची खाएंगे तो खत्म ही हो जाएगी। ये नौजवान लड़का भी आपको देख रहा है कराची का, ऐसी क्या चीजें हैं कि अगर वो उस चीज पे हाथ रोक ले तो बॉडी बन जाएगी? हाथ रोक ले, बस एक ही हाथ है, गलत काम से बचे बस। और क्या, आप एक स्टेज में चढ़ना चाहते हो, एक अच्छा मकाम चाहते हो, तो इसके बिना नामुमकिन है। मुमकिन को ना मुमकिन कर दे, ना मुमकिन को मुमकिन। स्टेरॉइड्स कर, सोन पर ही नहीं कर। एस्टेरॉइड्स अब ये भी नहीं कि एक लोगों ने एस्टेरॉइड्स को बदनाम किया हुआ है, हर एक चीज की एक लिमिट। तुम अपने पोजिंग करो क्योंकि कमेंट्स में लोग बाद में बताएंगे कि किसकी अच्छी बॉडी है। माशाल्लाह भाई, भाई जीत गया है और फर्स्ट पोजीशन आ गई है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। काफी मुश्किल वक्त से निकल के जो है ना ये मैंने चीज अचीव की है। मेरा दिखाइएगा, ये है तो कागज का, लेकिन ये मेरे लिए सोने से भी बढ़ के। अगर आपको 3 महीने में कोई लड़का तैयार करना हो जी, भले उसको आप इंजेक्शन मारो कुछ भी करो, तैयार कर दोगे? इंशाल्लाह। शादी से पहले बहुत लड़के ऐसे होते हैं, परेशान होते हैं, पेट निकला हुआ होता है, बाइसेप होता नहीं है, मुंह बड़ा होता है, रिश्ते नहीं हो रहे होते। ऐसे ही मैंने ऐसी लड़के तैयार की। खालिद भाई ने मुझे बताया है कि जब बॉडी बंदा बनाता है तो वो अपनी बेगम से भी दूर रहता है 3 या 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है, लाजिम है रहना क्योंकि उसको जुनून है ना एक चीज का, तो रहेगा। सही बताया, 2 माह तक तो दूर रहना पड़ता है, कंट्रोल 2 महीने दूर रहना पड़ता है, रहेगा तो कुछ दिखेगा ना यार। इससे तो रिश्ता भी तलाक हो सकती है। नहीं नहीं, क्यों हो सकती यार, आप एक साल एंजॉय करो, उसके बाद तैयारी करो। तो उसमें बेगम नाराज नहीं होती फिर? नहीं नहीं, क्यों होता है, वहाँ बोलो ना, सच बोलो कि मैं मुकाबले जा रहा हूँ, मेरा शौक है, वो क्यों नाराज होगा और खुश होगा? खुश हो, हाँ ना। मतलब जो बॉडी बिल्डर है वो 3 से 4 महीने बेगम से दूर रहे तो बॉडी बनेगी, क्या ये बात सच है? वही ना, जो लड़के गलत काम वगैरह करते हैं उन चीजों से दूर। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो सच है यार, दूर तो लाजमी करना पड़ता है। जरूरी नहीं है वो चीजें, नहीं आप नॉर्मल साथ बैठ के भी अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो कोई इशू थोड़ी है, दूर को ना जरूरी नहीं। बेगम बिल्कुल, अभी आने से पहले ही कई लड़कों ने जो है ताने मारे मुझे कि भाई तू जा रहा है तू क्या उखाड़ लेगा। अब उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई मैंने ये उखाड़ लिया, मेरी आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी मेरे भाई हो, मैंने ये उखाड़ लिया। अब अंग्रेज है जी, उनके खाने में प्रोटीन है जी, वो प्रोटीन नॉर्मल ले रहा है। अब हमारा देसी लड़का अगर जाके प्रोटीन का डब्बा ले आए तो उसके दोस्त और उसे घर वाले समझते हैं पता नहीं ये सांप खा रहा है जैसे। जी बिल्कुल, यही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर डिग्रेड किया जाता है। अच्छा मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जिम जाऊँ तो मेरी बॉडी बन जाए? कुछ ऐसी ट्रिक बताओ क्योंकि तुम हर चीज से गुजरे हुए हो। लड़कियों से दूर रहो बस। भाई आपकी क्या पोजिशन आई है? 2 पोजिशन आई। सेकेंड पोजिशन आई जी, सेकेंड पोजिशन। आप खुश क्यों नहीं लग रहे भाई? क्यों नहीं खुश है यार? सर आजकल के लड़के जिम में बहुत बड़े दिखते हैं, जिम से आते ही खुश हो जाते हैं, ये क्या है? देखो जिम तो एक ऐसा चीज़ है, जब आप वर्कआउट करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में ना पंपिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। मेहनत की, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, आगे इंशाल्लाह ये टाइटल भी इंशाल्लाह अगला साउथ का इसका इंशाल्लाह। कभी तुम्हें किसी ने ऐसा कहा है कि तुम किस उस्ताद के पास जा रहे हो, इनकी तो खुद की बॉडी नहीं है, लोग बातें करते हैं? नहीं ऐसा कोई, आपकी बॉडी अच्छी हो तो लोग पता क्या बोलते, अबे इंजेक्शन लगाया हुआ है, ओ इसने तो प्रोटीन खाया, इसने तो डब्बा खाया हुआ है, हाँ इसने डब्बा खाया हुआ, ये नहीं कहता कि यार अगली ने मेहनत कितनी की हुई है, डब्बा घर बैठे तो नहीं खाया ना यार। उस्ताद इसकी बॉडी बन गई जी बिल्कुल, अब इसकी बेगम के अलावा इस पे 10 लड़कियां और मरेंगी, वो अब अपनी होनी चाहिए, करना नहीं चाहिए इसको। इसकी सालियां नहीं, वो तो इसके बहने ही है समझो। नहीं
देखेंगी हमारे जीजू की बॉडी है। हाँ ये है कि तारीफ के काबिल कर दिया तो साथ ये गलत नहीं है कि नियत पे चल रही है लड़कियों की? नहीं तो इसकी तो नियत अपनी जगह ओके है, जरूरी नहीं है बॉडी बनेगी तो लड़की आएगी, जैसे तो नॉर्मल जो बंदे उसकी तो फिर शादी नहीं होनी चाहिए। साथ लड़कियाँ बॉडी से इम्प्रेस होती है। होती है। आपका नाम क्या है? एहसानुल्लाह मेरा नाम है। एहसानुल्लाह कहाँ पे जिम है आपका? मेरा लियारी में जिम है। अच्छा, मेरा भी एक मतलब जानने वाला था, जौहर में ही है वो, सही है? उसने कहा था कि जब हम कंपटीशन लड़ते हैं तो हमें ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं कि जिससे हमारा जिस्म ठंडा हो जाए। हमारा जिस्म ठंडा हो जाए, मैदा ठंडा रहे। गलत सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोल रहे थे मैंने इतना खा लिया है कि मैं पूरा ही ठंडा हो गया हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होता यार। नहीं नहीं, गलत बोला है। जैसे हम देखते हैं जी यार आलू गोश्त, सही, ऐसे लड़कियां भी देखती हैं? बिल्कुल देखती हैं, बिल्कुल देखती हैं। अगर वो कंपैरेटिवली नॉर्मल बंदे को देखेंगे, बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उनको, बोली मजा आएगा। हाँ, अट्रैक्ट करता है, बॉडी अट्रैक्ट करती है। डाइट होते हैं ना, लीन डाइट में फिश, अंडे, कार्ब बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, कार्ब ऑफ, लेकिन इसमें एहतियात थोड़ा सा कर लें। फिश, अंडे और वाइफ जी, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें अगर हों आपके पास तो आप कामयाब हो और बॉडी बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा साथ एक और बात, ये बात हर लड़के के जहन में, जिम में बंदा चौड़ा लग रहा है, घर आके वो ऐसा सूखा लगता है कि पता नहीं जैसे क्या कर लिया। बिल्कुल, ये हकीकत है। अच्छा, लड़की बॉडी बिल्डर को पसंद करती है? करती है। और जब वो बॉडी बिल्डर लड़की के पास चले जाए तो वो कमजोर हो जाता है? हाँ, जाना नहीं चाहिए, अगर वो चला गया तो बॉडी बिल्डर नहीं है। अक्सर बॉडी बिल्डर्स को बच्चे नहीं होते, तो ऐसा क्या होता है पीछे जो बच्चे नहीं हो पाते? वो उस्तादों पे होता है, मतलब जो गलत तरीके से चीजें देना, मतलब गलत स्टेरॉइड्स वगैरह लगाना। बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, बहुत मेरा काम है। एक बच्चे ने पानी ड्रॉप किया, उसको पता भी क्या किया उसने, तो मजाक नहीं है ये, इसका पानी निकल गया, ड्रॉप हो गया, पानी ड्रॉप करवाया है, मतलब रोका हुआ है, रोका हुआ है, अब पिएगा बेचारा पानी। ये आफ्टर कॉम्पिटिशन क्या आयो? फोर्थ पोजिशन है। फोर्थ आयो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी तैयारी करके जाएंगे। फर्स्ट टाइम था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे इंशाल्लाह इससे ज्यादा। आप बाजीगर है इंशाल्लाह, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजी करके, बिल्कुल, इससे बहुत सीख मिलती है। अच्छा हुआ अभी हमने देख लिया क्या स्टेज है, क्या हिसाब है। गार्डन के लड़के या लियारी के लड़के जो आसपास के एरिया के हैं, उस्ताद के पास जाओ, उस्ताद 3 महीने में ऐसा कर देंगे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बच्चे हो ना हो उसकी गारंटी, उसकी गारंटी नहीं, वजह से हम वाटर को ड्रॉप करवाते हैं कि सिर्फ मसल की शार्पनेस अच्छी नजर आए कुछ घंटों के लिए। अभी कंप्लीट करना, पानी पीलेगा, पानी पी लिया, पी लिया पानी, पी लिया, अब पानी निकल जाएगा, मतलब पेशाब के जरिए पेशाब। बाकी एंजॉय हो रहा है, एंजॉय भाई, घर बार छोड़ के बीवी बच्चे छोड़ के हम लोग एंजॉय करने आए हुए यहाँ पे। ये नहीं पता बीवी क्या कर रही है, अल्लाह मालिक है, जो भी करने लगे हम तो एंजॉय कर रहे हैं।